मेरा नाम सुहेल है, मैं मुरादाबाद से हूँ एंड यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। एंड मेरे हिसाब से टोबैको यूज़ बहुत ज़्यादा गलत है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए और किसी भी कंट्री के लिए। इसका सीधा या बोले इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट किसी भी सोसाइटी पर पड़ता ही पड़ता है। अगर कोई बंदा टोबैको यूज़ करता है तो उसकी खुद के लिए प्रॉब्लम्स हैं, उसमें डिसीजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, कैंसर्स हो जाते हैं बहुत, और फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इसके, क्योंकि जो अल्कोहल यूज़ करते हैं उनके लिए उनके घरों में बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, डाइवोर्स बहुत ज़्यादा इस वजह से हो जाते हैं। और टोबैको में जो लोग मतलब इसको फैशन समझ के करते हैं वो लोग भी इसके अंदर आते हैं, वो लोग इसको फैशन समझ के यूज़ करते हैं, बट उनके लिए वो फैशन ना होके उनके बॉडी को अंदर से इफेक्ट करता है और डिसीजेस करता है। पार्टीज़ में ये सब बहुत ज़्यादा आम बात है बट ऐसा होना नहीं चाहिए। एक सोसाइटी अच्छी तभी बनती है जब वहाँ के लोग हेल्दी होते हैं, और एक देश तभी अच्छा बनता है जब उसकी जनता अच्छी होती है। अब हम लोग यहाँ इस कंट्री के फ्यूचर हैं, अगर हम लोग ही टोबैको यूज़ करेंगे खुद बीमार पड़ जाएंगे तो ये देश सही कैसे रहेगा? अगर हम लोग इस देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? हम लोग इसका फ्यूचर हैं। और मेरे लिए ये मानना है कि गवर्नमेंट को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है वो जितना कर सकती है इस पर रोक लगानी चाहिए, मीडिया को इसका साथ देना चाहिए, और हम लोग को ये बेस नीचे के लेवल से उठना चाहिए कि टोबैको यूज़ को मना करो, टोबैको यूज़ को रोको नीचे से। जब तक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे कोई ऊँचे लेवल पर कुछ काम नहीं कर सकता, जब तक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे।